नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी सीरीज किस्सा केस का। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस। ये सेक्शन नंबर 34 ऑफ इंडियन पीनल कोड का बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, जो कि है महबूब शाह वर्सेस एम्परर। यहाँ पे एक पर्सन रीड्स कलेक्ट करने के लिए किसी दूसरे के लैंड में गया। वो जब उसके लैंड में गया, तब उसके नेफ्यूज, यानी हमारा ए पर्सन रीड्स कलेक्ट करने के लिए बी के लैंड में गया, और बी के नेफ्यूज ने उसका पीछा किया, उसका पीछे किया ताकि उसे वो होल्ड कर सकें और उससे कहें कि आपने हमारी ज़मीन से जो भी इकट्ठा किया था वो आप हमें वापस लौटा दीजिए। वहीं पे ए का बचाव करने के लिए फिर ए की फैमिली भी आ गई, जहाँ पे हमारे जेड पर्सन और एम पर्सन ए का बचाव करने के लिए आए, और वो बचाव करने के लिए आए साथ में गन लेके। गन लेने का इंटेंशन इनका ये था कि शायद बंदूक देख के वो डर जाएंगे और भाग जाएंगे ए को छोड़ के। लेकिन हुआ कुछ इस तरह से कि जब वो गन लेके आए तो जेड पर्सन, जो कि ए की फैमिली से था, उसने सी को शॉट कर दिया, जो कि दूसरे पर्सन की फैमिली से था। अब ये पर्सन तो हमारा भाग गया, लेकिन महबूब शाह, जिन्होंने गोली नहीं चलाई थी, जिन्होंने खून नहीं किया था, लेकिन वो सिर्फ बंदूक लेके साथ में आए थे ताकि वो उसे डरा सके, हुआ ये कि उन्होंने जब सामने देखा, अरेस्ट ये पर्सन हो गए और उन्हें एक रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 7 साल का ये पनिशमेंट तक सुनाई गई। प्रिवी काउंसिल में जब ये मैटर गया, तब वापस से महबूब शाह ने ये प्लीड किया कि मेरा कॉमन इंटेंशन नहीं था साथ में जाके कि उसका किसी का खून कर दिया जाए। हम सिर्फ किसी को डराने के लिए हमारे साथ बंदूक लेके गए थे, हमारा इरादा ये नहीं था कि किसी को शॉट कर आ जाए। प्रिवी काउंसिल ने भी यही बात मानी कि जहाँ पे यहाँ पे कॉमन इंटेंशन की एब्सेंस थी। कॉमन इंटेंशन तब होता है जब दोनों पार्टीज़ अपनी आपसी सहमति के साथ में एक क्राइम को अंजाम दें, लेकिन यहाँ पे हमारे जेड पर्सन ने अपने खुद की ही स्वय प्रेरित एक उन्होंने स्टेप लिया, और उस स्टेप के थ्रू उन्होंने अपनी गन का इस्तेमाल करते हुए सी को शूट किया, और हमारे एम पर्सन का इसमें कोई लेना देना नहीं था। तो ये था हमारा आज का किस्सा केस का। अगली बार फिर एक नए लैंडमार्क केस के साथ में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार।